दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग वाला ही टाइम हो रहा है, 5:30 बज के गए हैं। मैं आई थी किचन में क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल, तो मुझे टिफ़िन रेडी करना था। तो बाहर की बात करूँ तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मौसम साफ होने वाला है, जैसे धूप निकलेगी। कई दिन से तो कंटिन्यू वाली बारिश हो रखी है। चलो ठीक है, फटाफट टिफिन रेडी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। इधर चाय बन रहा है। दूध को वापस फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो डर लगता है बाहर खराब ना हो जाए। तो गाइस, यहाँ पे अनब जा रहा है ट्यूशन। अभी उसको नहा के रेडी किया है मैंने। अभी उसके बाल कैसे हो रहे हैं? आना चलो जल्दी बेटा, बैग भर लिया? क्या कर रहा है वे? चल बैग देख, इसमें बुक वगैरह है कि नहीं। बैग में बुक रख दी है ना मैंने? नहीं बेटा, रख दी है। देख ले एक बार, चेक कर ले बेटा। इधर मुंह करना। सी से मैं देख के ये लगाया है, तिलक इतना सॉफ्ट है इसको, देखना फिर भी कहाँ पे लगाया। देख वापिस, इतना टेढ़ा क्यों लगाया फिर? मुझे आता है टेढ़ा लगाने में। तो गाइस, मैं इसको पहले छोड़ आती हूँ ट्यूशन। तो गाइस, यहाँ पे पराठा सीख चुका है मैंने। आज नाश्ते में कुछ भी नहीं, सब्जी और पराठा बनाया था, अलग से कुछ भी नहीं बनाया। चलो फटाफट दे देती हूँ, ये रही गर्मा गर्म चाय। चलो दे देती हूँ फटाफट। तो गाइस, यहाँ पे सावन का सोमवार था, पहला ही सोमवार। तो मैं पूजा करने आई थी नीचे, मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सूट कर लेते हैं, पर क्या हुआ नीचे आए तो इतनी जोर से बारिश होने लगी तो कुछ अच्छे से सूट ही नहीं हो पाया। आज तक आई थी मेरे साथ परवट, वो छाता ही नहीं लेके आई। तो गाइस चलो फटाफट कर लेते हैं, मुझे पता है आप सभी व्रत रहे होंगे। तो फिर मैं ऊपर भी आ गई थी, मैंने सोचा चलो मंदिर की भी पूजा कर लेते हैं। तो मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, मैं जा रही हूँ अन्नप को लेने स्कूल, फटाफट चलती हूँ, नहीं बारिश ना हो जाए। वैसे तो छाता लेके आई हूँ। अगर थोड़ा भी लेट हो जाते हैं ना तो रोने लगता है, तो थोड़ा सा जल्दी ही पहुँचना पड़ता है। बहुत अच्छी चल रही है नीचे। कितना मस्ती कर रहा है तू? तो गाइस, ये बारिश में पूरा भीग गया। मैं तो छाता लेके गई थी, तो बस छाता ओपन कर लिया था मैंने। चलो बेटा पूरा भीग गए अन्नब। अरे वाह, चलो चलो चलो, हो गई मस्ती, सर्दी हो जाएगी अच्छी खासी वाली। आई कार्ड पूरा भीग गया। चलो, अरे चाय दे देती हूँ उसको बिस्किट खाने, क्योंकि वो पूरा भीग गया था। मैं भी भीग गई, मैंने चेंज भी कर लिया है, मैं भी पूरा भीग गई जो कि मैं छाता में थी। चलो दे देती हूँ फटाफट। बारिश इतनी तेज हो गई एकदम से, आ गई पता नहीं।
लाइट ऑन कर ले पहले। तो गाइस बारिश बहुत ज्यादा, मैं जैसे ही घर पे आई इतनी जोर शोर से आ गई, एक मिनट दिखाऊंगा। जो मैं बिस्किट लेके आई थी ना वो पसंद नहीं आए, तो प्यास्ता पे डब्बा मंगाया है, और जो मैं लेके आई थी वो साइड में रख दिए अपनी पसंद के खाने। तो गाइस यहाँ पे मैं खाना पीना बना रही हूँ, मैंने बनाई है मूंग दाल की भजिया बनाई है, ब्रेड पकौड़ा बनाए, बोला नहीं थोड़ा सा, ये बनाए हैं ब्रेड पकौड़ा। थाली लगा देती हूँ, बच्चे तो नहीं खाते भजिया, पर मैं पापा के लिए रख दूंगी चटनी के साथ। तो गाइस मैं अब खाना दे देती हूँ फटाफट से, आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे खाने पीने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया, यहाँ पे किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है, तो मैं बस ये बॉटल वाटर पोंछ के रख देती हूँ, क्या है कि पूरे में पानी पानी सा हो जाता है। चलो वीडियो का भी एंड कर देते हैं, मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। चलो वीडियो को भी एंड कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। मुझे पता है आप देख लेते हो बट लाइक नहीं करते। यहाँ पे बस मुझे अब कुछ नहीं, अब आपसे गुड नाइट बोलनी है, बाकी का कुछ नहीं करना क्योंकि मेरा काम पूरा फिनिश हो चुका है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।